नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैंने आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ था। यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं HDFC बैंक की तरफ से हमें क्रेडिट कार्ड सेंड कर दिया गया है। देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्स करके देखेंगे किस तरीका का होता है। दोस्तों देख सकते हैं यह HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर में एड्रेस लिखा हुआ है जिसको हमने हाइड कर दिया है। चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह का कार्ड आपको दिया जाता है। इसके अलावा फ्रीडम क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, इसमें से देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला तो दिया गया है, देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है। चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया गया है तो हमें एक एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ना होगा। चलिए फिलहाल इसको हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद जो आपको इस बॉक्स में मिलता है, यहाँ पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कार्ड मेंबर एग्रीमेंट, तो इसको भी हमें पढ़ना होगा। ये एग्रीमेंट है कार्ड मेंबर के लिए, जो भी आप कार्ड लिए हैं उसका ये एग्रीमेंट है। चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद एक और पेपर है यहाँ पर, इसमें भी लिखा गया है, चलिए इसको भी आपको पढ़ना होगा, तो हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बाद में। चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है HDFC बैंक कॉन्ट्रैक्टलेस क्रेडिट कार्ड गाइड। तो इसमें गाइड किया गया है कि क्या करना है आपको, किस तरीका से कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी किया गया है, व्हाट इज HDFC बैंक कॉन्ट्रैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ बताया गया है। चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद इसमें हम कार्ड होगा मेरा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बताया गया है कि किस तरीका से आप पिन जनरेट कर सकते हैं कार्ड का, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्ड है मेरा HDFC बैंक का, ये फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। चलिए इसको हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। यह देख सकते हैं HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि RBI के अनुसार आपका क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन साथ ही इंटरनेशनल, इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस यूज के लिए डिसेबल किया हुआ है, आपको इसे इनेबल करना होगा। तो किस तरीका से हम इनेबल करते हैं, हम किसी आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए फिलहाल इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC बैंक, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं फ्रीडम, यह फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा यह वीज़ा का कार्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं वीज़ा लिखा हुआ है और यह चिप लेवल कार्ड है, साथ ही कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टलेस का आइकॉन बना हुआ है। कार्ड के पीछे में आपका कार्ड नंबर साथ ही CVV नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों मुझे इस कार्ड की लिमिट 25,000 मिला है, यानी कि हम इस कार्ड के माध्यम से 25,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा लिमिट मिले। इसके अलावा हम इस कार्ड के चार्ज के बारे में बात करें तो इस कार्ड के लिए आपको साल में 500 रुपये लगेगा, एनुअल फी आपको 500 रुपये देना होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें बताया गया है, यदि हम इस कार्ड से 3 महीने के अंदर 30,000 रुपये खर्च कर लेते हैं तो फिर यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो ये कार्ड के लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आपके कार्ड का लिमिट 50,000 का हो और तो आप साल में 50,000 रुपये खर्च कर लेते हैं इस कार्ड के माध्यम से, तो फिर आपको ये 500 रुपये एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 150 रुपये से अधिक खर्च करते हैं तो फिर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसमें बताया गया है
तो यहाँ पर सबसे पहला तो है कि आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी पिन बना सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पिन बना सकते हैं, साथ ही आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए HDFC बैंक के ATM में जा कर के भी आप क्रेडिट कार्ड का पिन बना सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरीक़ा से हम HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का पिन बनाएंगे, हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।